हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंस्टा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी सिंपल और इजी रेसिपी है और काफ़ी आसानी से बन जाती है। आज मैं आलू और फूल गोभी की भुजिया बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 से 3 आलू लिए थे जिसे हमने एकदम छोटा छोटा कट कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और हमने आधी गोभी ली थी, आधी से भी कम, उसे भी हमने एकदम छोटा छोटा कट करके रख लिया है। साथ ही हमने 2 हरी मिर्च ली हुई है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे हम और इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और इसे अच्छे से लाल होने तक भूंज लेंगे हम। साथ ही हमने जो 2 हरी मिर्च ली थी उसे बीच में से फाड़ के इसमें डाल दिया है और इन्हें भी साथ में अच्छे से भूंजेंगे हम। साथ ही इसमें आलू डाल देंगे अब हम और इसे भी अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें अपनी गोभी भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, आलू और सारी सब्जियां अपनी। और इसे हमें धीमी आंच में पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं चाहिए हमें। आप मीडियम फ्लेम या फिर कम फ्लेम में इसे पकाएं, अदरवाइज़ आपकी सब्ज़ी जल जाएगी और आलू सही से नहीं पके पाएंगे। इसे चलाते रहेंगे हम बीच बीच में, चला चला के पकाएंगे इसे जब तक हम इसमें मसाला नहीं डाल देते। तो हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाला है, 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और हम 1/2 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बाकी फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है हमने, बाकी आपको जैसा खाना है उस अकॉर्डिंग आप मिर्ची और नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची भी और डाल सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाला है और मैंने उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल टेस्ट के अकॉर्डिंग बताया है आपको। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे पूरी सब्जी को, ऐसे हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ी देर ढक कर रख देते हैं ताकि हमारे आलू गल जाएं। तो एक बार देख लेते हैं हम अपनी सब्जी, अभी इसे और पकाएंगे हम। अभी अभी हमारा आलू सही से नहीं हुआ है तो हम इसे ऐसे ही बीच बीच में ढक ढक के पकाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे अपनी सब्जी कि हमारी सब्जी का आलू हुआ है, बॉईल हुआ है, नहीं हुआ है। अभी हमारा आलू कच्चा है तो हम इसे फिर से एक बार ढक के पकाएंगे और ऐसे बीच बीच में से चेक करते रहेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर में। देख लेते हैं एक बार अपनी सब्जी, देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्जी का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, हमारे आलू धीरे धीरे पक रहे हैं, रेडनेस आ रही है सब्जी में। आलू चेक करते हैं, देखिए आलू हल्का पक गया हमारा। अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसे, फिर से हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर और। चलिए चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एक बार हम आलू जो है चेक कर लेंगे अपने, देखिए हमारे आलू भी पक गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी एकदम रेडी है, इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे अब। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी है। आप इसे पराठों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी सब्जी है। तो एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं ऐसी आपके लिए नई नई रेसिपी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।